When there's no more hope is left in me. Hi friends, मैं गौरव मेहता। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि लाटवियन जो एम्बेसी है वो बिल्कुल परफेक्ट एप्लीकेशन को ही वो वीजा देती है। बहुत सारी ऐसी इंक्वायरीज हमारे पास अभी आ रही हैं, जैसे कि सितंबर 2023 इंटेक अभी चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों के जो वीज़ाज हैं वो डिनाई हो रहे हैं। सो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका वीज़ा डिनाई हो रहा है, वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, सो हमारे पास इंक्वायरी करते हैं और जब हम उनकी जो है पूरी प्रोफाइल को असेसमेंट करते हैं, उनके एप्लीकेशन की असेसमेंट करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी फाइल को रिप्रेजेंट किया एम्बेसी में, सो वो ओवरऑल असेसमेंट करने के बाद एक चीज़ सामने आती है कि इसमें जो गलती है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट की ही है। अगर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन बिल्कुल परफेक्ट है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं अगर वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हैं और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सारे पैरामीटर्स को पूरा कर रही है जिसके बेसिस पे जो है आपको वीज़ा दिया जाना है, तभी आपको जो है वो वीज़ा देते हैं। अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन में एक भी अगर मिस्टेक है तो आपकी एप्लीकेशन को डिनाई कर दिया जाता है। प्रीवियस कुछ वीक्स में मैंने ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस देखी जो स्टूडेंट्स ने खुद से रेडी की हैं, और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि एक भी एप्लीकेशन से मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। मुझे एक भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं लगी जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन हुई हो। जिस तरीके से जो है हम अपने स्टूडेंट्स की जो है एप्लीकेशंस रेडी करते हैं और वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, सो एक ये बहुत ही मैटर ऑफ कंसर्न है आप सभी के लिए जो लाटविया में जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है सितंबर 2023 इनटेक में या फिर अपकमिंग इनटेक्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। सो आप देखिए, अगर आपका वीज़ा डिनाई हो जाता है तो आपका जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया और कहीं ना कहीं मॉनेटरी लॉस भी आपका होगा, क्योंकि बहुत सारे जो है पेमेंट्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप आप पे करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस भी है, एम्बेसी फ़ीस है, हेलो वेरीफाई के चार्जेस होते हैं, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी आपके ट्यूशन फ़ीस में भी कुछ डिडक्शन करे। सो ये लॉस आपका हो जाता है अगर आपका वीज़ा डिनाई हो जाता है। सो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप 100% सेटिस्फाई हैं अपनी एप्लीकेशन से, आप जाइए, आप अप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके माइंड में 1% भी डाउट है, अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर के ये लग रहा है कि जो मैंने ये डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं क्या ये डॉक्यूमेंट्स सही हैं, या जो भी फॉर्म्स वगैरह आपने फिल किए हैं क्या वो बिल्कुल आप सेटिस्फाई हैं उससे, और इसके अलावा जो एप्लीकेशन आपने कंप्लीट करी है, रेडी की है, क्या वो सफिशियंट हैं डॉक्यूमेंट्स जो आपने रेडी किए हैं, अगर 1% आपके मन में डाउट है तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको किसी प्रोफेशनल एजेंट की, किसी एक्सपीरियंस्ड एजेंट की आपको हेल्प लेनी चाहिए। अदरवाइज़ जो है टोटली रिस्क लेने वाली बात होगी और आपका वीज़ा जो है हो सकता है वो डिनाई हो जाए। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैं रेगुलर ऐसे केसेस देख रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स ने हमसे पहले इंक्वायरी की थी और उनको हमने रिकमेंड किया था कि आपको जो है सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको अपनी एप्लीकेशन रेडी करने के लिए जो है वो हेल्प लेनी चाहिए, बट उन्होंने वो चीज़ नहीं मानी और वो स्टूडेंट आज हमसे आकर के मिल रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि हमारा जो वीज़ा रिजेक्ट हो गया अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या लें। सो ये वीडियो बनाने का मेरा एक तो मकसद ये था कि मैं आप सबको जो है जो अभी सिनेरियो चल रहा है, अगर आपकी एप्लीकेशन लगनी है तो अगर आपको कोई 1% भी डाउट है अपनी एप्लीकेशन में, अगर आपको लग रहा है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी किए हैं उससे आप सेटिस्फाई नहीं हैं किसी हद तक, या कोई भी डाउट है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आपको ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए। और बहुत सारी इंक्वायरीज़ हैं स्टूडेंट्स की जिनके वीज़ाज़ अभी डिनाए हुए हैं, तो स्टूडेंट ये पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अगर लाटविया का स्टूडेंट वीज़ा किसी भी स्टूडेंट का रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, आप अपील कर सकते हैं एम्बेसी के डिसीज़न को, लेकिन अपील आप तभी करें जब आप 100% श्योर हैं कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आपने जो डॉक्यूमेंटेशन जो सबमिट किए हैं वो बिल्कुल ओके थे, बिल्कुल परफेक्ट थे, और जो आपका वीज़ा इंटरव्यू हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, और वीज़ा रिजेक्ट होने के पीछे जो है वो गलती एम्बेसी की है। अगर आप 100% श्योर हैं तभी आप जो है अपील के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज़ 95% अपील्स जो होती हैं वो दोबारा से रिजेक्ट कर दी जाती हैं, एम्बेसी अपना डिसीज़न जो है वो चेंज नहीं करती। बट 5% ऐसी एप्लीकेशंस रहती हैं जिनके जो हैं वीज़ाज़ अपील पे आ जाते हैं। सो आप अपील तभी करें जब आप 100% कॉन्फिडेंट हैं आपकी तरफ से कोई भी मिस्टेक आपकी एप्लीकेशन में नहीं थी और आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हुआ है। तो सेकेंड
जो ऑप्शन है वो रहता है, आप रीअप्लाई कर सकते हैं। अब मैं अपने एक्सपीरियंस की आपको बात बता रहा हूँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे बहुत सारे वीज़ाज़ हमने पास्ट में लिए हैं और अभी भी हम जो है जिन स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ रिजेक्ट हुए हैं उन स्टूडेंट्स की हम लोग एप्लीकेशंस जो है वो रीप्रोसेस कर रहे हैं, नेक्स्ट इनटेक में अप्लाई कर रहे हैं। अब जब हम रीअप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है मैटर, क्योंकि एक बार आप रिजेक्ट हो चुके हैं, अब आपने दोबारा जब रीअप्लाई करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से आप वीज़ा ले सकते हैं। अब पहले हमने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीज़ा लिया है जिनका जो है रिजेक्ट था लाटविया का स्टूडेंट वीज़ा, तो आपको इसमें मेन मेन चीज़ें देखनी होती हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया था क्या वो आपको दोबारा एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं वो कि आप दोबारा जो है नेक्स्ट इनटेक में अप्लाई करें इस यूनिवर्सिटी में। सेकंड, उसके बाद जो है और भी कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं इसके अंदर जब हम रीअप्लाई करते हैं स्टूडेंट का। सो ये दो ऑप्शन रहते हैं अगर आपका जो वीज़ा डिनाई हो जाता है लाटविया का, या तो आप अपील कर सकते हैं या फिर रीअप्लाई आप कर सकते हैं अगर आप लाटविया में अगेन जो है वीज़ा लेना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो ये दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं अगर जो एक बार रिजेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है वो प्लान ड्रॉप कर लेते हैं, वो आपकी अपनी इंडिविजुअल कॉल है, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप फर्दर स्टडी नहीं करना चाहते, लाटविया में नहीं अप्लाई करना चाहते, तो आप स्टेप बैक ले सकते हैं, अपनी फ़ीस जो है यूनिवर्सिटी से रिफ़ंड ले सकते हैं। सो मेनली जिन स्टूडेंट का वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, अगर आप लाटविया में स्टडी करना चाहते हैं, आप दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास ये दो ऑप्शन है। अगर आपको लगता है आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल सही थी, आप अपील करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट करेंगे आपकी एप्लीकेशन की, आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर वे से चेक करेंगे, और अगर आपकी तरफ से कोई गलती नहीं थी आपकी एप्लीकेशन में तो आपकी अपील डालने में भी आपको हेल्प करेंगे और आपको डेफिनेटली वीज़ा आपका लगवा के देंगे। और अगर रीअप्लाई आप करना चाहते हैं तो रीअप्लाई में भी जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया था, हम सेम उसी यूनिवर्सिटी में, या फिर अगर वो यूनिवर्सिटी आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करती, दोबारा एडमिशन नहीं देती, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अगर एक बार वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो वो दोबारा जो है स्टूडेंट को नहीं एक्सेप्ट करती, उस केस में जो है यूनिवर्सिटी आपको जो है चेंज करनी पड़ती है, तो रीअप्लाई करके भी जो है वीज़ा लिया जा सकता है और कोई भी रिस्क नहीं रहता। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन होता है कि हम रीअप्लाई करेंगे तो एक बार रिजेक्शन के बाद शायद हमारा वीज़ा जो है वो रिस्की रहेगा, उसमें हो सकता है दोबारा हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं रहता, जैसे एक फ़्रेश एप्लीकेशन लगती है वैसे ही जो है सेकंड टाइम में बिल्कुल फ्रेश तरीके से एप्लीकेशन लगेगी और उसके ऊपर जो डिसीज़न है वो आपकी फ़्रेश एप्लीकेशन पे ही डिसीज़न आएगा। जो आपका प्रीवियसली वीज़ा रिजेक्ट हुआ है वो किसी न किसी गलती की वजह से रिजेक्ट हुआ है, किसी मिस्टेक की वजह से रिजेक्ट हुआ है, तो सेकंड टाइम जब आप अप्लाई करेंगे तो उस गलती को आप सुधार के अप्लाई करें, आप दोबारा वो मिस्टेक ना रिपीट करें। कोई डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग था तो वो डॉक्यूमेंट को आप ऐड ऑन करें और आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें। बस एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आपका वीज़ा कोई फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट ना हुआ हो, कोई फेक आपने डॉक्यूमेंट अपनी एप्लीकेशन में ना लगाया हो, तो आप जो है रीअप्लाई कर सकते हैं लाटविया का स्टूडेंट वीज़ा। सो अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है लाटविया स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड, या फिर आप अभी अप्लाई करने वाले हैं अपने वीज़ा, आप अपनी एप्लीकेशन की असेसमेंट आप हमसे कराना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।